Today we are with Sumitra, who is sharing with us how does she transform from Yashashri to Sumitra. What's up everyone? ये लोग आ गए घुस गए मेरे कमरे में और मुझे कह रहे हैं कि हमने रियल यशश्री को तो बहुत बार देखा है लेकिन रियल यशश्री से आपको अपने कैरेक्टर में ट्रांसफ़र होते हुए बहुत कम देखा है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं यशश्री से सुमित्रा कैसे बनती हूँ ये हमारे रेहान दादा है, ये मेरा मेकअप करता है और ये अपना जादू चला के मेरे फेस को सुमित्रा के फेस में टर्न करने वाला है। सो लेट्स डू इट। दादा कहते हैं कि उन्हें 45 मिनट्स लगते हैं पर वो इतने आराम से करते हैं हम लोग मेकअप गप्पे शप्पे लड़ाते हुए कि कितना टाइम लगता है रेहान दादा कर अच्छा 45 मिनट्स लगते हैं, ठीक है आज देखते हैं कितना लगता है। अभी तो बस शुरू हुआ है, लेट्स सी। रेहान दादा बताओ मेकअप को अच्छा रखने के लिए टचअप करते समय क्या ज़्यादा चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? इसमें क्या होता है कि काजल देखना पड़ता है कि कितने स्प्रेड हो रहे हैं और उसके बाद में फिर बेस देखना है क्रैक हो रहा है नहीं हो रहा है और डिपेंड होता है आर्टिस्ट की स्किन के ऊपर। और मैडम का जो तो स्किन नाइस स्किन है, ज़्यादा क्रैक नहीं होता है मेकअप यूज़ पे। लेकिन आप तो हमेशा कहते रहते हो तो मैडम आप हंसो मत, आपकी लाफ लाइंस पड़ेंगी, मुझे मेहनत पड़ेगी। सब लोग मुझे रोकते रहते हैं हंसने से क्योंकि लाफ लाइंस आती है और कहते हैं मैडम कितना हंसते हो और हमें मिटानी पड़ती है। तंग हो जाते हैं ना आप मुझसे, मैं बहुत तंग करती हूँ आपको। ये देखो कहते हैं कि कैरेक्टर के लिए उसका मेकअप और कॉस्ट्यूम बहुत मायने रखता है क्योंकि कोई भी बंदा या बंदी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक मेकअप और कॉस्ट्यूम के लिए कॉस्ट्यूम करने के बाद। तो आज आप वो जादू देखोगे और देखोगे कैसे ट्रांसफॉर्म होता है हम सब, असल ज़िंदगी में कुछ और रील ज़िंदगी में कुछ और। मेरा ब्रेकफास्ट करना, दादा का मेकअप करना, दीदी का हेयर बनाना, ये सब ऐसे कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलता रहता। अब देखना खाने तो नहीं देते लोग, मुझे रोक देते बीच में। वैसे चीज़ें बदलती नहीं है, ज़्यादातर एक मेकअप सेट हो चुका होता है तो। बट सुमित्रा के फ़िलहाल के मेकअप में मेरी फेक आई लैशेज, काजल भर भर के एंड लिपस्टिक और हाँ सुमित्रा की आंखों का गुरूर वो तो होना चाहिए। मेकअप करते समय पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत देर तक बिना हिले डुले बैठना पड़ता है। कभी कभार तो हम बात भी नहीं कर सकते तो ऐसे चुपके से बात करनी पड़ती है जैसे मैं अभी कर रही हूँ। तो ऐसे वक्त पे गाने सुनना बहुत काम आता है, म्यूज़िक इज़ लाइक अ पावर टू मी। तो म्यूज़िक के साथ साथ मेकअप होता है मेरा हमेशा। मेकअप के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सीखा है मैंने बट हाँ ओढ़नी में मैं अपना मेकअप खुद किया करती थी। 1.5 साल में से मैंने आई थिंक 1 साल अपना मेकअप खुद किया हुआ है। बट सिंस मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती हूँ मेकअप करने में अपनी नॉर्मल लाइफ में, तो मैं इतने सीखने में भी ईगर नहीं हूँ। तो फिर मेरा ऑब्वियसली प्रैक्टिस ख़त्म हो गई तो अब होता नहीं है मुझसे मेकअप। तो जब रेहान दादा की छुट्टी पे चले जाते हैं तब मेरी बैंड बज जाती है। फाइनली यशश्री सुमित्रा में तब्दील हो चुकी है और आप देख सकते हैं। टोटल आई थिंक मुझे लगता है आधे घंटे से 40 मिनट्स लगता है, अगर मैं बहुत आराम से करूँ तो 40 मिनट में मैं रेडी हो जाती हूँ और बहुत इन्जॉय करती हूँ क्योंकि ये वक्त होता है जब मैं अपने हेयर ड्रेस से अपने मेकअप दादा से बातें करती हूँ, हम लोग मस्ती करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं
और आराम आराम से साथ में चाय पी रहे होते हैं, गाने सुनते हैं और स्क्रिप्ट. सो दिस मेकअप टाइम इज़ रियली माई टाइम जब मैं सेट पे आती हूँ और जब शूटिंग शुरू करती हूँ, इसके बीच का जो वक्त है वो मेरा होता है. तो ये मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ क्योंकि उसके बाद हम अपने खुद के नहीं रहते, हम कैरेक्टर बन जाते हैं. मैं अपने मेकअप को बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं करती हूँ क्योंकि वो वैसे ही मेंटेन हो जाता है अपने आप, तो क्योंकि मैं दिन भर फुदकती रहती हूँ, मस्ती करती रहती हूँ. बट हाँ, जब पसीना आता है तो थोड़ा सा टिश्यू से या मलमल से हम डैप कर लेते हैं, दैट्स इट. बाकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. उम्मीद करती हूँ कि यशश्री से सुमित्रा बनने की ये जो तब्दीली है वो आपको बहुत अच्छी लगी हो. Do write into us about how did you like our segment. Neha Sawant with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hi, this is Yashashri Masurkar. For more updates about serials, keep logging into www.indiaforums.com and yes, do subscribe for WhatsApp team.